नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर सांसी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बता दें कि खबर सेवन सी की एक खास कार्यक्रम शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे खबर सेवन सी के स्टूडियो में एक ऐसे शख्सियत आ चुके हैं जिनसे खबर सेवन सी के टीम से रिपोर्टर आशीष सिंह ने खास बातचीत की, उनकी ग्राम सभा के बारे में जाना। बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार प्राप्त ग्राम सभा कुरसातों का खबर सेवन सी टीम ने पड़ताल भी की और प्रधान जी से बातचीत भी की। आज वाराणसी जिले के अराजी लाइन ब्लॉक के ग्राम सभा कुरसातों को विकास कार्य में प्रथम स्थान मिला हुआ है, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। ग्राम सभा के ग्राम प्रधान सत्यनारायण पटेल के अथक प्रयास के बाद ग्राम सभा में विकास की मुख्य धारा बह रही है। इस गांव में बिजली, पानी, हैंडपंप, शौचालय, आवास, बारात घर, लाइब्रेरी, गौवंश आश्रम, ऐसे कोई सुविधाएं नहीं बची है जो प्रधान ने गांव में मुहैया नहीं कराया हो। उसके बावजूद भी ग्राम सभा के लोगों ने जब ये बात कही कि इस बार फिर से आपको ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना है और फिर से ग्राम सभा में विकास कार्य करना है, लेकिन ग्राम प्रधान ने सीधे मुंह सभी लोगों से कहा कि अब प्रधानी का चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। ग्राम सभा के लिए ये बहुत बड़ी बात हो चुकी है, क्योंकि ग्राम प्रधान ने सीधे मुंह यह ग्राम सभा के लोगों से कह दिया है कि अब प्रधानी का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। ग्राम सभा में कार्य बचा ही क्या है, जितने विकास कार्य होते हैं ग्राम प्रधान सत्यनारायण पटेल ने उसको करा दिया है। इसके बाद अब वह ग्राम प्रधानी से सीधे मुंह कह चुके हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आइए दिखाते हैं ग्राम प्रधान की यह खास बातचीत और गांव के विकास कार्यों की कुछ चलती विजुअल जो मेरे खबर सेवन सी स्क्रीन पर है। आइए देखते हैं खबर सेवन सी से बातचीत करते हुए ग्राम प्रधान की यह बात। Thank you.
नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सिवनसी न्यूज चैनल। मैं हूं आशीष सिंह। हमारे अगले एपिसोड शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज शख्सियत कार्यक्रम में हम एक ऐसे शख्स के आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो वाराणसी जिले के आराजी लाइन ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है कुरसातों, और उस कुरसातों ग्राम सभा को जिले में विकास कार्य को देखते हुए प्रथम स्थान मिला था। और आज उस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सत्यनारायण पटेल जी, जो कि शुरू में पेशे से एक हॉस्पिटल चलाते थे और एक क्लिनिक चलाते थे। अच्छा खासा इनका हॉस्पिटल चल रहा था, लेकिन इनके मन में सवाल कहां से पैदा हुआ कि हमको ग्राम सभा की सेवा करनी है, समाज सेवा करना है, अपने ग्राम सभा को विकास के पथ पे लेके जाना है। तो ऐसे ही शख्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सत्यनारायण पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खबर सिवनसी न्यूज़ चैनल में। जी सर। जी तो जी, बिल्कुल नमस्कार। बताएं, आप जो है एक पेशे से डॉक्टर रहते हुए और आप अपने ग्राम सभा में, अपने ज़िले में अपने ग्राम सभा को रोशन करने का कार्य किया है और विकास कार्य को देखते हुए, तो क्या लग रहा है, क्या भूख थी आपके अंदर ग्राम सभा की सेवा करने की? नहीं, मैं तो जो प्रथम बार जो है, हम लोग बहुत पहले जो है क्लिनिक चलाते थे, हॉस्पिटल मेडिकल चलता था हमारा जी। तो गांव में आना जाना था जी, तो देखे कि बहुत पिछड़ा हुआ गांव था जी, बहुत पिछड़ा हुआ गांव था। कुरसातों गांव कोई जानने वाला नहीं था जी, सब कीचड़ से भरा था। रास्ता सकरी थी, गलियाँ थी, कच्चे थे, उसमें पानी जमता था जी, कोई व्यवस्था, कोई विकास नहीं था। तो मुझे मन में ललक हुई कि क्यों न मैं प्रतिनिधि ही बन करके जो है इस गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित कर दें जी। तो मैंने लगातार जो है काम, मतलब प्रथम बार क्षेत्र पंचायत सदस्य हुआ जी। तो आरआई लाइन में जी, जब आप प्रथम बार में क्षेत्र पंचायत सदस्य बने तो वो कौन सा ईयर रहा होगा? 2005 था जी। 2005 से ही आपने सेवा शुरू कर दिया जी। तो उसमें जो है आरआई लाइन में प्रथम गांव बनाया क्षेत्र पंचायत का जी, उसमें बहुत से विकास किया जी। उसके बाद जो है फिर 2010 में मैं प्रधान बना जी। तो प्रधान 5 साल कार्य किया, बहुत से काम रह गए थे जी। बिल्कुल, आपने जब 5 साल का कार्य पूरा किया तो क्या जनता फिर ने आपको मौका दिया? जी, मौका दिया कि कुछ प्रधान जी और काम बाकी है जी, तो आपको काम करना है जी। तो मैं अपने गाँव के लिए जो है एक पावर हाउस बनाया, एक कई हज़ार घर में रोशनी जलाने का काम किया जी। एक संगीत अकेडमी के लिए जो प्रस्तावित ज़मीन है जी, वो 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं जी। टेबल की नालियाँ 3 किलोमीटर तोड़वा करके नए सिरे से बनाया गया, जो किसानों को फ्री में पानी जी मिलता जी है जी। जो है 350 लोगों का राशन कार्ड बनवाया, 450 लोगों का लगभग शौचालय बनवाया, जिसका घर घर ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में शौचालय न हो जी। गरीबों के लिए सबका जो है राशन कार्ड बनवाया गया है जी। जो है उसके बाद जो है हर गली में हर मोहल्ले में हर जगह खड़ंजा इंटरलॉकिंग है, 8 किलो 9 किलो पक्की सड़कें हैं जी। बारात घर मैंने बनवाया जी। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पड़ताल भी किया, आपके ग्राम सभा में गया भी मैं, तो वहाँ पर मुझे बारात घर भी देखने को मिला जी, जी, जो कि एक आधुनिक दौर में एक मूलभूत सुविधा लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने एक पाया आपके ग्राम सभा में एक लाइब्रेरी पुस्तकालय, तो पुस्तकालय का सवाल या पुस्तकालय बनवाने का क्या उद्देश्य रहा? नहीं, हम लोग को गांव में, हम लोग का गांव है देहात में, घर है जी, गाँव है जी। तो बहुत से गरीब बच्चे हैं, आदमी हैं, जो है कि किताब से वंचित रह जाते हैं गरीबी के कारण। जो है हम लोगों ने सोचा कि गांव पंचायत का जो पैसा है उसमें लगा करके किताब बुकलेट खरीद दिया जाए जी जी। तो शिक्षण के लिए जो है वहां से ले लें बिना पैसे का, नीचे से कृषि विभाग का है, पंचायती विभाग का है, सारे बुकलेट वगैरह रहेंगे, बच्चे ले जाकर पढ़ेंगे, अपना ले जाकर रखेंगे जी। तो गरीबों के हिसाब से जो मैंने आधुनिक युग में होता है, तो कुछ सोचा कि नहीं यहाँ पर लाइब्रेरी हो जाए, बारात घर हो जाए, मैरिज हॉल, मैरिज लान हो जाए जी। जो है विद्युतीकरण कराया है, बारात एक बारात घर बन गया, एक राखी में रह गया है जी जी। बिल्कुल, देखा हमने कि आपके यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र भी 2-3 है, आंगनवाड़ी केंद्रों में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो और क्या लग रहा था कि आपको कि कुछ ऐसा कुछ नया चीज़ हो जाए कि और जो आपके हिसाब से आपके ग्राम सभा में? नहीं, देखिए कुछ ऐसा में विकास का श्रेणी होता है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जी। मैं हैंडपम्प के लिए करीब 55 हैंडपम्प नया स्थापित कराया हूँ गांव में, बोर कराया हूँ जी। जो है
अभी अभी फिलहाल में जो है हमारे यहाँ जो है पानी टंकी की सर्वे हुई है, आ गया है बजट, उसका महीने दो महीने में चालू होने वाला है, 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है जी जी जो है। तो घर घर पानी के लिए फ्री का पानी रहेगा, आरओ का प्लांट रहेगा, घर घर पानी के लिए नल लगाया जाएगा जी जी, जो है सीवर के लिए व्यवस्था है, जो है राशन कार्ड है, 72 आवास दिया है, दिया हूँ जी। तो 72 में जो है करीब 34 स्वीकृत हो गया है, जो बनना चालू हो गया है, क्रम संख्या से बनाया जाएगा जी जी। शेष धन आने पर 72 बनाया जाएगा, जो सर्वे हुआ उसी को बनाया जाएगा आगे चलकर जी। बिल्कुल, अगर आप देखा जाए तो एक बार क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे और दो बार लगातार आप ग्राम प्रधान रहे जी जी। तो बिल्कुल, आप और क्या चाहते हैं कि जैसे जनता ने आपको मौका दिया और आप जनता की उम्मीद पे खड़े भी उतरे और अपने ग्राम सभा को जिले में पहला स्थान लाएं, जो कि एक बहुत बड़ा गरिमा की बात है आपके लिए और आपके ग्राम सभा के लिए कि जो कि जिले में आपने नाम रोशन किया अपने ग्राम सभा का, तो और क्या चाहते हैं कि हमको जनता और मौका दे, और क्या सेवा करना चाहते हैं आप अपने ग्राम? पहले तो जो हमको जिले में प्रथम स्थान आया है जी, उसमें मुख्यमंत्री द्वारा जो 8 लाख रुपया का जो है पुरस्कार मिला है, उस पैसे का मैं जो खर्च किया हूँ, लाइब्रेरी बनवाए, बारात घर का बाउंड्री वाल जी, लान के लिए जो है जी, उस पैसे को भी खर्च कर दिया हूँ मैं जी, जो है। और जो है हमने जो है और आगे चल करके मैं देखा, पड़ताल किया गाँव का, तो मैं सोचा कि कुरसातो गाँव मेरा परिवार है जी, मैं तो सबका प्रधान हूँ जी जी। बिल्कुल, चुनाव जो होता है उसमें द्वेष पैदा होता है जी, द्वेष पैदा होता है, लड़ाई होती है, कई लोग प्रत्याशी बनते हैं, पब्लिक डिवाइडेशन होती है जी, मतभेद होता है जी। तो हमने 8 महीने पहले जो है गांव में जो है लोगों से कहा कि इस बार जो है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी को निर्विरोध बनाया जाए जी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे प्रधान जी, कि एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि हम जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या मन में सवाल पैदा हुआ, कहाँ से आपके मन में ये बात है कि आपने 15 साल लगातार गांव की सेवा? हमको जनता ने बनाया था विकास के लिए जी, मैंने उस विकास को जो है बनारस के जिले से प्रथम स्थान पाया हूँ जी, और जिला में जो है कुरसातो का नाम हुआ जी, उत्तर प्रदेश में, पूरे जनपद में जी, पूरे प्रदेश में जी, पूरे भारत में जी, चूँकि संसदीय क्षेत्र मोदी जी का, उसमें जी हमारी गरिमा बढ़ी जी जी जो है। तो हम चाहेंगे कि इसी चैनल के माध्यम से जी, कि मैं जनता को रूबरू कराऊं जी, कि आगे चल कर के हमारे गांव का चुनाव निर्विरोध हो जी, हमको किसी और को मौका दिया जाए जी। बिल्कुल, आप चाहते हैं कि अब जो कुरसातो ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व है वो किसी दूसरे के हाथों में होना जी, चाहिए, तो क्या लक्ष्य है कि दूसरे के हाथों में चला जाएगा तो क्या वो व्यवस्थाएं जो है? हम चाहेंगे किसी कोई बने तो जो काम बाकी रह गया है जी, उसको भी ऊंचा पद पर ले जाए, उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान गाँव को लाए, जो है कुरसातो गाँव का नाम रोशन हो जी। बिल्कुल, 8 लाख रुपये से जो हम लोग को मुख्यमंत्री जो पुरस्कार मिला है 8 लाख रुपया जी, जनपद वाराणसी में प्रथम पुरस्कार मिला 8 लाख रुपया, तो हम चाहते हैं कि गांव का जो है 10 लाख रुपया जो मुख्यमंत्री जो है वो जो है निर्विरोध का 10 लाख रुपया आता है जी, मिलता है, वो भी गांव हमारे साथों को मिले जी। बिल्कुल, आपकी जो इच्छा है कि हमारे ग्राम सभा से कोई एक निर्विरोध व्यक्ति हो जिससे जो भी प्रोत्साहन राशि मिलता है गांव और गांव के विकास में हो के लिए लगाया जी। बिल्कुल, तो आपसे एक अंतिम सवाल सत्यनारायण जी, कि जैसे आपको जैसे आप ग्राम प्रधान का चुनाव पद नहीं लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि आपने उस ग्राम सभा को आपने जिले में तो पहुंचा ही दिया, आपने पूरे उत्तर प्रदेश में नाम रोशन ही कर दिया, तो क्या आपने आपके राजनीतिक प्रक्षेत्र आगे की तरफ आप उसको नहीं बढ़ाना चाहते? जी जी, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बातें हैं जो है, हम चाहते हैं किसी और को मौका दिया जाए जी 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 जी। बिल्कुल, तो आप चाहते हैं कि किसी और को ही मौका दिया जाए? आप 8-9 महीने पहले से जो है गांव में आना जाना थोड़ा कम कर दिया, लगाव कम कर दिया जी, कि हमको लोग जबरदस्ती नोट डाल दे उसी में जो है जी, तो जी। जो हमको मौका दिए जो है जनता का जो है अपना जो है हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद जी, चाहेंगे जो है जी, जी बिल्कुल जी। और जितने वाराणसी जिले के जितने अन्य ग्राम सभाएं हैं, उन ग्राम सभा के ग्राम प्रधान को आप अपने माध्यम से क्या संदेश और क्या सलाह देना चाहते हैं? नहीं, हम तो चाहेंगे कि देखिए जो हमारी स्टेटमेंट है जी, इस स्टेटमेंट को सुन करके लोगों के मन में प्रेरणा हो कि गांव का चुनाव होता है तो एक समानता होना चाहिए, एक व्यवहार होना चाहिए, एक पैनल होना चाहिए, चुनाव हो ही ना, जनता एक किसी को चुन ले जी। जो शासन द्वारा 10 लाख रुपये पुरस्कार मिल रही है जी, तो उसको भी गाँव में लाए, उस पैसे से विकास हो, हमारी तो सोच यही है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि जैसा कि आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे शख्सियत कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सभा कुरसातो के ग्राम प्रधान तो डॉक्टर सत्यनारायण पटेल जी, तो वैसे ही लगातार खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें।
खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है।